सिटकॉम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं लोगों को जो आ रहा है. मैं चाहता हूं कि वो इसी चैनल पे आ रहा है तो फाइनली जिसके लिए कौन स्टोरी किसने लिखी है, कौन डायरेक्टर है, क्या है सारा थोड़ा बता दें. आप बताएं पहले. देखिए शौक भाई जो है वो चाह रहे हैं कि मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं फिर वो हामी भर लें. मुझे पता है ये क्या करना चाह रहे हैं. अच्छा सिटकॉम जो हम अभी करने जा जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ दीज डेज. वी अक्सर लोग कहते हैं अपने काम के बारे में बट ये ओरिजिनली बहुत डिफरेंट है. इसमें झुकते नहीं हैं, लोगों की बुराइयाँ नहीं की जा रही कि तुम्हारा मुँह काला तब्बे जैसा काला कब्बा टाइप जो पता नहीं क्यों लोग इसमें हंसते हैं. इस तरह की कोई कहानी नहीं है. फैमिली व्यूइंग वाला सिटकॉम है. सिचुएशनल कॉमेडी है एग्जैक्टली. एंड बोल की अच्छी बात यह है कि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है. लाइक बिल्कुल भी दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग. ओके. और हम लोग एक एपिसोड दो एपिसोड एक दिन में शूट कर लेते हैं आराम से. हाँ जी बिल्कुल हमने किए हैं. जिस तरह से लिखा हुआ है इतना अच्छा फ्लो है कि आप जुमले चेंज भी नहीं करना चाहते. इस तरह की कहानी जो कि बहुत कम मिलता है. जबरदस्त. रिहान है जो लिख रहा है. रिजवान 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 है हमारे राइटर. बहुत अच्छा लिखते हैं. इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ. जवाद साहब जो हैं जो प्रोड्यूसर हैं उनको हम बहुत तंग करते हैं खास करके मैं मुझसे काफ़ी नाला रहते हैं वो. लेकिन ये कि हम लोग सबकी टीम बहुत अच्छी है. ठीक है. डायरेक्टर कौन है? अच्छा ये शाहिद ख्वाजा कर रहे थे पहले. हाँ. और ख्वाजा ने शुरू किया था बहुत अच्छा माशाल्लाह काम चल रहा था. अब वो अपनी कुछ मसरूफियात के बिना पे से शायद ना कर पाए तो इफ्तिखार इफ्फी इसको करेंगे अब इंशाल्लाह. और बहुत अच्छा डायरेक्टर है इफ्फी. इफ्फी भी बहुत अच्छा है और रियली गुड फॉर कॉमेडी. इफ्फी के साथ मैंने भी इवन 100 एपिसोड भी खत्म भी किए थे कुछ अरसे पहले. अच्छा. किसी और चैनल के. लेकिन ये कि स्क्रिप्ट हमारा बहुत अच्छा है और सबसे मजे की बात यह है कि रिजवान जिस तरह से इसको लिख रहा है हम सीन करने से पहले जब फर्स्ट रीड करते हैं ना तो हम लोट खोट हो जाते हैं. अच्छा लिखा हुआ है. और उसके बाद जब हम एक्ट करने लगते हैं तो हम बोर हो चुके होते हैं हंस हंस के. ये मेरे साथ मैंने भी कॉमेडी बहुत कम की. मैंने भी शाहरुख की सालिया के नाम से एक प्ले किया और चैनल का तो वो कॉमेडी करते खुद हंसता था मैं बहुत. मुझे बड़ा मजा आया. और डॉक्टर यूनुस भट्ट का लिखा हुआ तो आई एंजॉय यूनुस भट्ट साहब. एंड देन वो मुझे तब एहसास हुआ कॉमेडी कितनी मुश्किल चीज है. इजी नहीं है. हाँ. बाकी कास्ट कौन है आपके साथ? अहमद हसन है जो कि कॉमेडिक जीनियस है ना. उसको छोटे छोटे उसके पास जेस्चर्स होते हैं कि मैं तो हम लोग बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकते हैं. सिंपल जुमला भी बोलेगा ना तो वो इस तरह से कहता है कि आपको बस हंसी आ जाती है. एक अजीब सा आर्ट है जो मैंने सिर्फ अहमद हसन में देखा. सच्ची बात करें मैंने किसी और एक्टर में नहीं देखा. ही इज वेरी गुड. वो कुछ पता नहीं क्या करता है. वो कुछ ऐसा करता है कि बहुत अनयूजुअल लगता है और हम प्ले के बीच में कई दफा हंस देते हैं यार और फिर हमें रीटेक करनी पड़ती है. जबरदस्त. साथ में हमारे मानी है. ठीक है. जानी साहब हैं. जानी साहब हैं. यस ठीक है. और हमारी जो जूनियर कास्ट है उसमें भी बहुत सारे मुझे नाम उन सबके नहीं पता लेकिन बड़े टैलेंटेड लोग हैं. शानजे हैं नाम बोल रहे हैं बट दे ऑल अमेजिंग. बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.